एक गांव में एक औरत अपनी नाती के साथ रहती थी। वो औरत शापित थी और रोज रात को एक चुड़ैल बन जाती और लोगों को मारकर खा जाती थी। एक रात वही भूतिया नानी अपने शिकार की तलाश में निकलती है चुड़ैल का रूप लेकर। मेरा शिकार, जल्दी आओ सामने, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तभी उसे एक बच्चा घर के सामने खेलता हुआ दिखता है। बच्चा देख चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ती है। मजा आ जाएगा, आज ताजा ताजा नरम मांस खाने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो चुड़ैल बच्चे के पास पहुंचती है, तभी वहाँ गांव वाले आ जाते हैं और उस पर लाठी डंडों से टूट पड़ते हैं। आह बचाओ, छोड़ दो, नहीं तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे मारो इस चुड़ैल को, बहुत लोगों को परेशान किया है, मारो। थोड़ी ही देर में चुड़ैल गाँव वालों की मार से बेहोश हो जाती है। गांव वाले उसे मरा जानकर वहां से चले जाते हैं। तभी उसका नाती मोलू वहां आता है और अपनी नानी की ऐसी हालत देखकर रोने लगता है। नानी, नानी, तुम्हें क्या हुआ और गांव वाले तुम्हें क्यों मार रहे थे? चुड़ैल को भी होश आ जाता है। मोलू मेरे बच्चे, इससे पहले कि गांव वालों को ये पता चले कि तेरी नानी ही चुड़ैल है, तू मुझे यहाँ से ले चल, नहीं तो गांव वाले मेरे साथ साथ तुझे भी मार डालेंगे। फिर मोनू वैसा ही करता है और चुड़ैल को गांव से बाहर एक गुफा के अंदर ले जाता है। मोनू मेरे बच्चे, मुझे इसी गुफा में जंजीरों से बांध दे, नहीं तो मैं बाहर जाऊंगी और लोगों को मारूंगी, कहीं तू भी मेरा शिकार न बन जाए। मोनू वैसा ही करता है और अपनी चुड़ैल नानी को लोहे की जंजीरों से बांध देता है। नानी, मैंने तुम्हें जंजीरों से बांध तो दिया है, लेकिन तुम क्या खाओगी और कैसे रहोगी? मेरे बच्चे, मैं एक शापित चुड़ैल हूँ, इसीलिए तू मुझे रोज एक आटे की रोटी में ये शिव का भभूत मिलाकर खिला देना, उससे मेरे अंदर घुसी हुई चुड़ैल भी शांत रहेगी। ठीक है नानी, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? बेटा अभी तू बहुत छोटा है, जब तू बड़ा हो जाएगा तो मैं अपने आप सारी बात बता दूंगी, अब से तू बस मुझे सिर्फ खाना देने आना ताकि मैं जिंदा रह सकूं। उसके बाद मोनू वहां से चला जाता है और रोज अपनी नानी के कहे अनुसार एक आटे की रोटी ले आता। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और मोनू बड़ा हो जाता है। एक दिन मोनू अपनी नानी के लिए भभूत मिली रोटी ले जा रहा होता है, तभी गाँव वालों को उस पर शक होता है और वो उसका पीछा करते हैं। मोनुआ रोज रात को ना जाने कहाँ जात है, अपने हाथ में कुछ पकड़ कर इसका पीछा करे का पड़ी। हाँ भैया रमेश, सही कहा थो, वैसे भी इसका इतिहास कौनो ठीक नहीं है। फिर रमेश और हरीश उसका पीछा करने लगते हैं। मोनू गुफा के पास पहुंचकर अपनी नानी के पास जाता है। नानी देखो, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ, लो खाओ। चुड़ैल जो की जंजीरों से बंधी होती है मोनू की तरफ गुस्से से देखती है। इतनी देर हो गई, कहाँ था, तुझे नहीं पता कि मुझे भूख लगी होगी, जल्दी दे नहीं तो आज तुझे खा जाऊंगी। फिर मोनू वो रोटी नानी को खाने के लिए दे देता है। रोटी को खाकर चुड़ैल का गुस्सा और भूख दोनों शांत हो जाते हैं। उधर गुफा के बाहर खड़े गाँव वाले उनकी सारी बातें सुन और देख रहे होते हैं। अरे रमेश, ये तो वही चुड़ैल है जिसको हम सभी ने मिलकर मारा था, लगता है कि मरी नहीं थी रे। तनिक धीरे बोलो हरीश भैया, नहीं तो ये चुड़ैल यहीं पर हम दोनों की पीपनी बजा देगी। नानी अब तो इतना समय हो गया और मैं बड़ा भी हो गया, अब तो बताओ ये तुम्हारे साथ किसने किया और तुम ऐसे कैसे बन गई? सही कह रहा है मोनू, अब मैं तुझे सारी बात बताऊंगी और उसी के साथ आज का दिन मेरा आखिरी होगा, क्योंकि मैं तेरे बड़े होने का ही इंतजार कर रही थी। उसके बाद नानी अपने चुड़ैल बनने की कहानी मोनू को सुनाने लगती हैं। बेटा मेरी ये हालत मेरे लालच ने की है, एक बार जंगल से आ रही थी तभी मुझे कुएं के पास सोने का सिक्का पड़ा मिला और मैंने वो उठा लिया। लालच में मैं अगले दिन भी वहाँ गई, मुझे वहाँ फिर से एक सिक्का मिला। मैं रोज वहाँ उसी जगह पर सोने के सिक्के उठाने लगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे उसी जगह पर सिक्के क्यों मिल रहे हैं। फिर क्या हुआ नानी, वो सिक्के कहाँ से आ रहे थे? बेटा वो सिक्के एक चुड़ैल और उसके शैतान पति के थे,
जो उस जगह पर रहती थी, वो मुझे लालच में डालकर मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहती थी ताकि वो लोगों को आसानी से मार कर खा सके, और वो उसमें कामयाब भी हो गई। लेकिन वो रात में मेरे शरीर पर कब्जा करती और तेरे नाना जी मुझे बांध देते थे उस वक्त। फिर क्या हुआ नानी? बेटा, फिर तेरे नाना ने एक तांत्रिक को मुझे दिखाया, लेकिन तांत्रिक भी मेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। थक हार कर उसने अपने जादू से चुड़ैल के असर को कम करने के लिए रोटी में भभूत मिलाकर मुझे खिलाने को कहा। जब वो चुड़ैल मुझ पर हावी होती है तो वो रोटी मुझे खिलानी होती है। नानी, मैं इस चुड़ैल और शैतान के चक्कर से तुम्हें आजाद कराऊंगा, तुम चिंता ना करो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। नहीं मोनू, नहीं, मैं अब जीना नहीं चाहती मेरे बेटे, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। अगर ये चुड़ैल मेरे शरीर से आजाद हो गई तो किसी बेकसूर को फिर से अपना शिकार बनाएगी। तू एक काम कर, मुझे चला दे, मेरे साथ ये दुष्ट भी चल जाएगी। नहीं नानी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, भला मैं अपने हाथों से तुम्हें कैसे जला सकता हूँ। मोनू नहीं मानता और देखते ही देखते नानी पर फिर से उस चुड़ैल का साया आने लगता है। डरावनी आवाजें आने लगती है। आह आह, मोनू बेटा मान जा, मुझ पर फिर से चुड़ैल हावी हो रही है बेटा, सबकी भलाई के लिए भाग जा तू और मुझे जला दे, जा बेटा जा, जल्दी कर। इतने में नानी चुड़ैल बन जाती है और गुस्से में गुर्राने लगती है। मोनू जल्दी से बाहर जाता है और रोते हुए मशाल से गुफा में आग लगा देता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसे रमेश और हरीश मिल जाते हैं। हमने सब सुन लिया है मोनू भैया, तुम्हारी नानी और तुम बहुत महान हो। नानी ने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, तुम चिंता ना करो, अब हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वो चुड़ैल तो खत्म हो गई, पर अभी वो शैतान तो जिंदा है और अपनी चुड़ैल को जरूर ढूंढेगा, और हम भी नानी की मौत का बदला जरूर लेंगे उस दुष्ट शैतान से। फिर वो तीनों गांव चले जाते हैं और एक योजना बनाते हैं। योजना के अनुसार वो हरीश को साड़ी पहनाकर और औरत बनाकर आगे आगे जंगल में भेजते हैं और खुद पीछे मशाल लेकर चलते हैं। अरे भैया, मर गया रे, इन दोनों ने तो हमको ही औरत बना दिया। हे भगवान, अब उस शैतान से मेरी इज्जत की रक्षा करना, कहीं अपनी चुड़ैल बीवी समझकर कुछ गड़बड़ ना कर दे। फिर हरीश जंगल में पहुँच कर वहाँ बैठ जाता है। थोड़ी देर में वहाँ शैतान आता है। मेरी चुड़ैल, आखिर में तुम आ ही गई, आहा देर लगा दिया आने में। लेकिन हरीश कुछ नहीं बोलता। अरे क्या हुआ प्रीतम, नाराज क्यों हो? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं विवश था। हरीश को गुस्सा आ जाता है और वो साड़ी उतार कर बोलता है। कहा प्रीतम प्रीतम करे जा रहे हो हैं? और कभी यहाँ छू रहे हो, कभी वहाँ। अरे मैं कोई चुड़ैल बुलैल नहीं हूँ, मैं हरीश हूँ हरीश, और वो भी मर्द। धोखा, मुझसे धोखा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर शैतान हरीश को पकड़ लेता है। हरीश चिल्लाता है, अरे दुष्टू कहाँ रह गए, जल्दी आओ, नहीं तो आज तुम्हारे दोस्त को ये मार कर खा जाएगा। अरे क्या पुलिस वाले हो क्या, जो हमेशा आखिरी में आओगे। तभी वहाँ मोनू और रमेश आ जाते हैं और लाठी और डंडों से शैतान को मारने लगते हैं, लेकिन शैतान पर उनका कोई असर नहीं होता। अरे मोनू भैया, अब तो हम लोग गए, ये शैतान हम तीनों को मार डालेगा। लाठी और डंडों से शैतान को मारने आए थे। अब तुम तीनों यहीं मरोगे। लेकिन तब तक वहाँ गांव वाले आ जाते हैं, उनके साथ गांव के पुजारी जी भी होते हैं। फिर सरपंच जी बोलते हैं, हमरे होते हुए तू हमरे बच्चों को मारेगा, तेरा तो हम सर ही फोड़ देंगे शैतान। वाह वाह सरपंच जी, वाह, आपने तो आकर हम तीनों की जान बचा ली,
लेकिन आपको कैसे पता कि हम यहाँ हैं? अरे मैं तुम्हारी तलाश में थोड़ी न था, मैं तो उस सुंदर औरत की तलाश में यहाँ आया था जो गांव में से इसी तरफ आई थी, और वो तो मिली नहीं। तुम तीन मनहूस मिल गए। तभी शैतान हरीश का गला दबाने लगता है। बहुत हुआ मजाक, अब तुम सब गांव वाले मरोगे, पहले इस हरीश को मारूंगा। लेकिन तभी पुजारी जी उस पर शिव जी का चरणामृत फेंकते हैं और शैतान जलने लगता है। मैं जा तो रहा हूँ लेकिन फिर आऊंगा। थोड़ी ही देर में शैतान जल जाता है और फिर मोनू उसके सारे सोने के सिक्के गांव वालों में बांट देता है।